कोटा में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के मीडिया कर्मियों को किट का वितरण किया गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट ने इसका वितरण किया। आपको बता दें कि दादाबाड़ी में मीडिया कर्मी कोरोना योद्धाओं को किट वितरित किए गए और उनके हौसले को भी इस दौरान सलाम किया गया। स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट ने मीडिया के कोरोना योद्धाओं के लिए क्या कहा, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोटा में सामने आ गए हैं। इससे एक लगातार एक भय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पत्रकार फील्ड में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी आज सामने आई है और स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी ने सभी वो फील्ड जर्नलिस्ट को वो किट मुहैया करवाएं जो उनके लिए आवश्यक है, उनके और उनके परिवार की रक्षा करें। और पत्रकार एक सजग परी और सजग परी होने के नाते जो सूचनाएं आम जनता तक आज की तारीख में पत्रकार जनता तक पहुंचा रहे हैं तो वो उनको भी ये लोग कर्मवीर योद्धा मानते हैं और कोरोना फाइटर मानते हैं। हमारे साथ स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, विकास शर्मा। विकास शर्मा से सीधी बात करेंगे, ये किस तरह की मुहिम है और किस तरह से आपके दिमाग में ये विचार आया? पिछले दिनों महाराष्ट्र में 61 मीडिया कर्मी कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद में हमने सोसाइटी के सभी सदस्यों ने ये सोचा कि कोटा के अंदर भी जो जिस तरीके से मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, न केवल वो मीडिया कर्मी है, मैं ये सोसाइटी ये मानती है, यूथ फ्रंट ये मानता है कि वो एक सेनानी के तरह उनको माना जाए, क्योंकि इस दहशत के दौर में जहां पर अपने परिवार और अपने स्वयं की जान को जोखिम में डालकर मीडिया कर्मी हॉटस्पॉट और अन्य क्षेत्रों में जा रहा है और यथार्थ की सूचना सरकार और आम लोगों तक पहुंचाने का जो दायित्व है वो मीडिया कर्मी निभा रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वो सुरक्षित रहेंगे तो काम करने में उनकी योग्यता और देश को उनका लाभ मिलता रहेगा। और इसी जिम्मेदारी को लेते हुए स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी ने तय किया है कि मीडिया कर्मी की कोरोना से सुरक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। निश्चित रूप से आज हमने पीपीई किट और अन्य सुरक्षा के संसाधन आज दिए हैं और आगे भी निरंतर ये सोसाइटी अपना संकल्प लेती है कि जब तक कोरोना का कवरेज चलता रहेगा तब तक हम मीडिया कर्मियों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करते रहे। ये थे हमारे साथ स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट के अध्यक्ष विकास शर्मा। साफ तौर पर इस मुहिम को एवन टीवी भी दिल से सलाम करता है क्योंकि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना फाइटर के लिए जहां पर सभी समाज सेवी संगठन आगे आए तो पत्रकारों के लिए भी स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी आज उभर कर सामने आई है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवन के लिए कोटा।